फसल बीमा कराया है उसका फसल कटाई के आधार पर उसको फायदा मिलेगा। विदिशा तहसील के किसानों ने बीमा राशि ना मिलने और खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली के रूप में प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ कई गांव से किसान आए और शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने भी शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। अलग औसत लिया गया है इन्होंने बीमा कंपनी ने, और जो किसानों को किसी को पता नहीं किस तरीके से बीमा किया जाता। 5 साल का औसत उपज निकाल ली उन्होंने अपने मर्जी से, और हमारे हलके की उपज मात्र 68 किलो प्रति बीघा आई है, जबकि 3 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार तो कम से कम है। हमारे किसानों के साथ बीमा कंपनी से प्रशासन की साठगांठ करके ये हमारा खुला आरोप है। इनकी जो मांग है, अभी जो 171 हलकों में अभी जहां बीमा की घोषणा नहीं हुई है, अभी उसके संबंध में ज्ञापन था, प्लस 2018 का बीमा कुछ हलकों में नहीं मिला था उसके संबंध में था। इसके संबंध में प्रशासन की कार्रवाई जारी है और बीमा कंपनी से भी हम लगातार टच में हैं, और उनकी ओर से सूचना मिली कभी कुछ जगह बीमा सेटल नहीं हुआ है, तो कृषक बंधुओं का अवगत भी कराया है। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि प्रशासन पूर्णतः उनके साथ कोऑपरेट करके चल रहा है।